बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा। फाइनली दो जिला पास, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी। सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप यू ऑल, होप यू ऑल गाइस आर फाइन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज है डे टू एंड हम अभी श्रीनगर में हैं एंड आज हम लोग निकलने वाले हैं कारगिल के लिए एंड कारगिल में आज स्टे करेंगे हम। और अभी टाइम हो रहा है 9:30, तो पीछे हमारी वीडियो चल रही थी अभी, तो शास्त्र भैया तो हमारी वीडियो एंजॉय कर रहे थे। आप करते हो कि नहीं करते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे यहाँ से, होटल वाले अभी ब्रेकफास्ट देंगे हमें, तो देखते हैं आज क्या क्या हमें एडवेंचरस चीज़ें। आज हमने करना भाई लाइफ का सबसे मतलब एक होता है डरावना पास, रोजीला पास आज कवर करना हमने, कैसे भी उसे कर लेंगे। तो बस यहाँ से निकलते हैं एंड मन तो नहीं कर रहा है श्रीनगर को छोड़ के जाने का, बट क्या कर सकते हैं, तो राइड भी तो करनी है, तो राइड भी तो करनी है, बात इनकी भी सही है, लद्दाख भी पहुँच रहे हैं हमें अब। तो बस आज डे टू है और डे टू को ज़रूर इन्जॉय करना, तो निकलते हैं फिर और दिखाते हैं आपको आगे का सीन। सो ये देख सकते हो आप लोग, फाइनली हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है, तो करते हैं ब्रेकफास्ट एंड हमने क्या क्या मंगवाया ब्रेकफास्ट में। ये ब्रेड टोस्ट है और ये है कॉफ़ी एंड इसमें है हमारे आलू परांठे, और ये देखो भाई ये चॉकलेट्स आज के लिए और लद्दाख तक के ये काम आएंगे हमारे बहुत ज़्यादा रास्ते में, है ना। बिल्कुल, हमने तो ये दो और लिए थे, दो तो ये यहीं पे खा गए हैं होटल में ही अभी रात को और अभी भाई मजाक। तो ये देख सकते हो और ब्रेकफास्ट करते हैं एंड निकलते हैं यहाँ से होटल से। तो भाई लोग फाइनली हम यहाँ से होटल से निकल रहे हैं, वो बैग तो हमने बांध लिया है अपनी बाइक में, सो ये पूरा सेट हो चुका है और यहाँ पे भी अभी काम चालू ही है, ऑलमोस्ट डन हो चुका है, तो निकलते हैं फिर यहाँ से। एंड कल की मैं अभी माइलेज चेक कर रहा था तो 36.3 की अभी दिखा रहा है, सो 36.3 की माइलेज दिखाई है, तो 36 की माइलेज मुझे कल मिली है, तो अभी टैंक में ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा ही पेट्रोल है, तो बहुत बढ़िया। और हमने अभी तक चलाई है ऑलमोस्ट 227 किलोमीटर, तो बहुत बढ़िया। तो चलते कोल्ड स्टार्ट करते हैं बाइक को एंड निकलते हैं फिर आगे के लिए, एंड धूप तो अभी दिख ही रही है। और ये होटल था हमारा AL क्लासिक्स, बहुत ही बढ़िया होटल था। सो भाई लोग अब हम निकल रहे हैं एंड निकल चुके हैं हम लोग, और ये रही हमारी डल लेक, तो निकलते हैं आगे कारगिल के लिए। तो पहला ब्रेक हम जो लेने वाले हैं वो लेंगे हम सोनमक में, तो पेट्रोल पंप हम ढूंढते हैं आगे, शायद हमें पेट्रोल पंप मिल जाए, तो नहीं भी मिलेगा वैसे भी पेट्रोल तो बहुत है हमारी बाइक में। वैसे यहाँ पे अभी ठंडी हवा चल रही है एंड आगे देखते हैं कैसे कैसा मौसम देखने को मिलेगा। और साथ में हम लोग रोजिला पास आज क्रॉस करने वाले हैं, देखते हैं क्या क्या मुश्किलें हमें देखने को मिलने वाली हैं आज, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिलेंगी, तो देखते रहें बने रहें वीडियो के साथ मेरे। और अगर कुछ खास हुआ होगा तो वो तो आपको थंबनेल में पता लग ही जाएगा। गाइस फाइनली यहाँ पे है, हमें एक पेट्रोल पम्प मिला है, तो आगे पता नहीं अब कितने दूर में मिलेगा आपको फुल फुल। तो मैंने अभी 640 का पेट्रोल डलवाया और 640 में मेरा टैंक पूरा फुल हो गया, तो कल 640 तक का पेट्रोल लगा मेरा श्रीनगर तक आने में, तो सोच सकते हो 640 में मैं श्रीनगर आ गया और थोड़ा घूमा भी मार्केट, तो भाई माइलेज तो काफ़ी अच्छी दे रही है ड्यूक 250, तो मानना पड़ेगा माइलेज को ड्यूक 250 की, तो टूरिंग के लिए तो मैं यही कहूँगा ड्यूक 250 इज़ द बेस्ट। तो जैसे शास्त्र भैया को मिली है 25 की माइलेज, भाई साहब। तो अभी शास्त्र भैया ने 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाया, तो देख सकते हो उनका 1000 रुपये में श्रीनगर का चक्कर लगा और मेरा जो है 640 रुपीज़, तो देख सकते हो गैप तो है अच्छा खासा। और तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है आज। भाई ये देख लो, यहाँ से ले है 402 किलोमीटर एंड ये देखो भाई बहुत सही लोकेशन है। और यहाँ से सोनमक है 55 किलोमीटर,
तो कारगिल जो हमारी डेस्टिनेशन रहने वाली है आज की, वो है यहाँ से 174 किलोमीटर। तो जो पहला स्टॉप हम लेंगे वो 55 किलोमीटर के बाद लेंगे, तो जो कि है सोनमर्ग। और भाई लोग ये राफ्टिंग के लिए जा रही है पक्का, जिस पुल से हमने वो रिवर क्रॉस की अभी अभी, तो पक्का वहाँ पे राफ्टिंग होती होगी। ओ भाई इसको देख के एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ जाता है, बट क्या करें, मन तो बहुत होता है राफ्टिंग करने का, भी कभी की नहीं है, तो कभी मौका मिला था ज़रूर करेंगे। और ये देखो भाई, और मैं एक चीज़ बताऊं, अभी हम सिटी से निकल रहे थे, रोड काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड थी, और अब जाके खुला रोड मिला तो अच्छा है। और ये देखो भाई, अभी हम कुछ ऐसी लोकेशन पे हैं भाई, वादियां देखो भाई, पहाड़ देखो भाई, बहुत ही सही लोकेशन है। अब वो देखो भाई, पीछे व्यू देखो भाई साहब, बहुत ही नेक्स्ट लेवल व्यू है यार ये। तो भाई लोग, आप सभी लोग देख सकते हो ऊपर जो है ना, मतलब वहाँ पे बर्फ़ पड़ रखी है भाई, और ये पानी इतना साफ है ना, ठंडा भी उतना ही होगा, और इसका पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज है भाई। भाई व्यू देखो, ये है सोनमर्ग का व्यू भाई। सो भाई लोग, अब यहाँ पे हम 2 सेकंड रुके थे फ़ोटोज़ वगैरह के लिए, सो फोटोज़ हमने ले लिए हैं, जो कि आपको देखने को मिल जाएंगे इंस्टाग्राम पे। अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया ना, तो जाके कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमेजिंग रील्स एंड फ़ोटोज़ देखने को मिल जाएंगे आपको भी इंस्टाग्राम पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड बाइक की हालत देख सकते हो, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, तो देखो भाई सबसे बेस्ट व्यू है ये अभी तक का। ओ भाई साहब नेक्स्ट लेवल, ऊपर देख सकते हो बर्फ़ भी पड़ी हुई है। अब सो भाई, हम लोगों ने पीछे स्टॉप लिया था एंड वहाँ से ड्रिंक्स ले ली हैं हमने, सो जूस वूस ले लिया। और वहाँ देखो रोड देख रहे हो भाई, ये काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है, और ये हाइट अभी कुछ भी नहीं है, सही तो हमें आगे और जाके मिलेगी हाइट। ओ भाई साहब, और यहाँ पे चल रही है ठंडी हवा भाई, जितना मज़ा यहाँ पे आ रहा है मैं बता नहीं सकता। वहाँ पे नीचे देख सकते हो कितने सारे टेंट हैं, ये कितने सारी गाड़ियाँ हैं, ये सब अमरनाथ यात्रा है, जो कि यहाँ से जाएंगे अमरनाथ यात्रा हमारे भोले जी के दर्शन करने के लिए। तो हम भी कर लेते हैं दूर से दर्शन, हमारी राइड अच्छे से जाए, ये वाली कोई दिक्कत नहीं आए। और देख सकते हो हम कितनी हाइट पे, अभी ये कुछ भी नहीं है, शायद हमें यहाँ से आगे जाके और हाइट मिलने वाली है। एंड आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे यात्रीज हैं, और राइड पे निकलते हैं वापस, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। एंड यहाँ पे मंदिर पे रुके थे, तो निकलते हैं यहाँ से भी मंदिर से। सो भाई, ये हमारी पहली वाटर क्रॉसिंग है। ओ भाई, एंड ये हमारी पहली वाटर क्रॉसिंग थी। ओ भाई, एंड देख सकते हो आप लोग कितनी हाइट पे हम लोग। सो भाई, यहाँ पे बाइक पूरी हीटअप हो चुकी है, यहाँ पे पूरा ही ऑफ रोड है भाई, बाइक की बहुत बुरी हालत हो चुकी है, यहीं पे हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा शायद से। तो देखते हैं कितना टाइम में हमको ये कवर करने वाले हैं भाई। फाइनली जोजिला पास, कहा तो सबने था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन जब खुद पे भरोसा हो ना, कुछ भी हो सकता है। वो देखो भाई, वो देखो वाटरफॉल। हमने मैगी मंगाई है यहाँ पे, और ये हमारे शास्त्री भैया फोन में लगे हुए हैं, देखो भाई हालत देखो। सो फाइनली जोजिला हमने कर दिया। वो देखो ऊपर से पानी आ रहा है, अगर आपको दिख रहा हो ऊपर से पानी आ रहा है, और नीचे जा रहा है, वो पता नहीं कहाँ जा रहा है। तो ये मैगी हमने मंगाई है, और ये बस, तो यहाँ से खा के निकलते हैं। सो भाई, हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं एंड अब जा रहे हैं आगे। भाई यहाँ पे हमें एक छोटू दिखा है, इधर आ जा, इधर आ। तो पैसे मांग रहा था, देख ये ले, चॉकलेट दे रहा हूँ तेरे को, ठीक है भाई। भाई तो भाई छोटू खुश हो गया अपना चॉकलेट देख के, तो निकलते हैं यहाँ से। छोटू भी खुश हो गया, हम भी। मिसिंग नहीं मार रही मेरी भी, एक्चुअली पिकअप नहीं पकड़ रही।
सो भाई एक प्रॉब्लम हो गई है, मेरा एक ग्लव्स ना पीछे कहीं पे गिर गया, तो अब वापस जा रहे हैं। तो वापस जाना यार सबसे बेकार चीज़ लगती है मेरे को तो, बट क्या कर सकते हैं, एक ग्लव तो मेरा नीचे गिर गया। तो यार पता नहीं चला, मैंने यहाँ पे रखा था, दोनों ग्लव्स यहाँ पे रखे थे, तो एक पता नहीं कब गिर गया। तो वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, पास में होगा, क्योंकि अभी मैंने चेक किए थे दोनों से, तो अब देखते हैं कहाँ पे पड़ा होगा। सो भाई ग्लव नहीं मिला तो क्या कर सकते हैं अब, चलो एक बिना ग्लव के जाना पड़ेगा। जल्दी से ना कारगिल पहुंचते हैं, अब थोड़ा स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी हमें, एंड ये थोड़ा सा ऑफ रोड है, इसके आगे का रोड थोड़ा वो ठीक है, तो वहाँ पे हम स्पीड मेंटेन करने वाले हैं अब। तो चलते हैं फिर जल्दी जल्दी से, क्योंकि शाम होने वाली है। सो भाई अभी हम कुछ ऐसी जगह पे हैं, बहुत ही अमेजिंग जगह है भाई, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो अभी हमने जोजिला पास क्रॉस किया है तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मेरे को मिला है इस हैंडल का। सर जिसने मेरी वीडियो देखी होगी ना हैंडल लिफ्टिंग वाली, तो उसको पता होगा। तो मैंने क्या किया था कि अपना हैंडल जो है वो लिफ्ट कराया। तो भाई यहाँ पे हमें एंट्री के लिए रोका था, तो यहाँ से निकलते हैं। सो जिस चीज़ के बारे में मैं बता रहा था, हैंडल बार रेजर, तो ये मेरे को भाई, मैं सबसे, अगर मैं आपको सच बताऊं तो ये सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को यही लगी, क्योंकि इसने जो सिटिंग पोस्चर बनाया है ना मेरा बाइक पे मेरी, वो सबसे बेस्ट है। मतलब इससे कोई थकान भी नहीं हो रही, एंड ऑफ रोडिंग में भी कोई मुश्किल नहीं आ रही। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है मेरे को जो लगी अभी तक की, सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट मैं कहना चाहूँगा। अभी हमने स्पीड थोड़ी बहुत मेंटेन करनी है, क्योंकि हम बहुत लेट हो चुके हैं। भाई यहाँ के ट्रक वाले बहुत ज़्यादा तेज़ चलते हैं। मैंने आपको बताया था यार, ये देखो ट्रक की हालत, ये शायद ताज़ा ताज़ा है। मैंने आपको बताया था यहाँ के ट्रक वाले बहुत ज़्यादा तेज़ चलते हैं, और ये हालत देखो भाई, कुछ भी नहीं बताया इस ट्रक का। और भाई साहब, सो भाई लोग कारगिल यहाँ से ऑलमोस्ट है अभी 23 किलोमीटर, एंड 23 किलोमीटर यहाँ से कारगिल है। और अब यार काफ़ी ज़्यादा थकान हो चुकी है, जल्दी से होटल में पहुँचते हैं, एंड अब सीधे होटल में ही मिलेंगे। तो भाई लोग हम पहुंच चुके हैं कारगिल, एंड हम 7 बजे पहुंच चुके थे कारगिल में, एंड पहुंचते ही हमें होटल भी मिल गया, एंड होटल काफ़ी अच्छा मिल गया और अच्छे प्राइस भी मिल गया। तो प्राइस में आपको बता देता हूँ, इसका 1200 रुपीज़ का हमें ये रूम मिला है, तो डबल बेड है, और यहाँ पे बाथरूम भी साथ नहीं है। तो हालत अभी ना बहुत बुरी है, क्योंकि पूरे दिन बाइक चलाई है। सो मैं सच कहूँगा ये रूम 1200 रुपीज़ में ना वर्थ है, और वैसे भी हमें इधर मिला। तो आज की वीडियो को बस यहीं पे हम एंड करेंगे, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, टाटा बाय बाय।